शहर के मसीह समाज के लोगों ने सोमवार को श्री थाने पहुंचकर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा से मुलाकात की। इस दौरान समाज के लोगों ने समाज के एक संगठन द्वारा मिशन ग्राउंड को किराए पर नहीं दिए जाने के इकरार के बाद भी उसे किराए पर देने पर रोष प्रकट किया। समाज के लोगों ने बताया कि संगठन की ओर से मिशन ग्राउंड पर मेला आयोजन हेतु किराए पर दिया जाता है और बड़ी राशि किराए के रूप में वसूली जाती है, लेकिन उक्त राशि में समाज के हित में कुछ भी खर्च नहीं किया जाता है। समाज के लोगों ने इस गतिरोध को देखते हुए पुलिस के मध्यस्थता में समाज के लोगों तथा संगठन पदाधिकारियों के बीच वार्ता करवाने की मांग की, ताकि समाज में आपसी सौहार्द बना रहे। थानाधिकारी से मुलाकात करने वालों में मसीह समाज के सुमित जूलियस, अभिषेक जॉर्ज, वंदना एरिक्सन, शालिनी, सुमिता राव, मेलविन चार्ली, विजय राजीव तथा शेखर मैसी सहित अन्य लोग शामिल थे। ये और जो सारा पैसा कलीसिया से जाता है लगान के रूप में 4 लाख रुपए सालाना, प्लस मेले का जो 21 से 24 लाख रुपए सालाना इनकम होती है, जो जिसका पैसा चर्च वेलफेयर में ना तो ग्राउंड वेलफेयर में मेले के ग्राउंड में किसी प्रकार से वापस नहीं आता है। ये डायसिस अपने हिसाब से खर्च करती है, जिसका हिसाब भी कभी चर्च में नहीं आता है कि भाई कितना पैसा ब्यावर से इनकम हुई है और कितना पैसा खर्चा हुआ है, ये हमें कोई बताया नहीं जाता है। सबसे बड़ा कारण जो हमारे रोज का वो ये है कि सारे समाज के युवा बेरोजगार हैं, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है और किसी दूसरे को मेला किराए पर दिया जा रहा है। मेन मौके पर ज़मीन है और हमारे को उसके बावजूद भी हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है और दूसरे लोगों को किराए पर दिया जाता है। बल्कि कायदा ये होता है ट्रस्ट की ज़मीनों का कि आप पहले नोटिस निकालिए, जो आपके समाज का पहले इच्छुक होगा वो पहले फाइल करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा, अगर वो आपकी नीड फुलफिल नहीं कर पाता है तो आप दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन आप ये अंदर से अंदर अंडर टेबल ही चला देते हैं, आपकी इच्छा से कोई भी आके मेले का टेंडर भरता है और वो ले जाता है। क्रिश्चियन एक भी क्रिश्चियन इन्वॉल्व नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं दोनों स्कूलों में और मेला किसी नॉन क्रिश्चियन को जा रहा है, तो आप क्रिश्चियंस के लिए क्या कर रहे हैं वो हमें बताइए। नाम आपका? अभिषेक जॉर्ज। हम सब समाज वाले का रोष है कि मेला नहीं लगना चाहिए। कारण ये है कि ये हमारे समाज की रजिस्ट्री नहीं करते, ना हमारे चर्च का कोई वेलफेयर करते। हमारा उद्देश्य यही है आगे कि हमारे को हमारे समाज का उन्नति करानी है और हमारे समाज के सारे कार्य कराना है रुके हुए हैं, जो 11 साल से लाखों करोड़ों रुपए हमारे समाज के इन्होंने रजिस्ट्री के नाम से ले रखे हैं, ना तो ये रजिस्ट्री करते हैं ना हमारे चर्च में 25,000 पर मेला क्या इन्होंने बांधा था वो आज तक नहीं दे पा रहे हैं। जब तक ये हमारे समाज के काम नहीं होंगे जब तक हम मेला नहीं लगने देंगे।